ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने बहुत सारे टॉपिक अभी तक डिस्कस किए हैं साइंस के, जो चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी की बुक का, जो कक्षा 9 में है। तो उसमें अभी तक हमने कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति और अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ा है। तो दोस्त, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ा था, वैसे ही एक और कोशिकांग होता है कोशिका में पाया जाने वाला, वो होता है गोल्जी उपकरण, उसके बारे में हमने पढ़ेंगे। तो एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम गोल्जी था, उन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया था तंत्रिका कोशिका में। तो उन्होंने तंत्रिका कोशिका पर काफ़ी रिसर्च किया, जिससे उन्होंने गोल्जी उपकरण की खोज की। तो इसी के नाम पे, इन्हीं के वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम गोल्जी उपकरण पड़ गया। तो गोल्जी उपकरण क्या दोस्तों? एक झिल्ली युक्त पुटिका है। ये एक्चुअली एक जो एंडोरेक्टम रेटिकुलम जो होता है, जिसको हम अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, उसका सपोर्टिंग सिस्टम होता है। मतलब जैसे अंतर्द्रव्य जालिका नलिकाएं होती हैं, तो इसका एक सपोर्ट सिस्टम होता है, ये भी झिल्ली का बना होता है। और ये क्या करता है, एक के ऊपर एक समांतर परतें होती है, उस रूप में बना रहता है। इसमें क्या होता है, जो नलिकाएं होती हैं एक के ऊपर एक समांतर प्लेट्स के रूप में जमी हुई होती हैं, जिसको हम कुंडिका बोलते हैं। ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये जो संरचना है, ये गोल्जी उपकरण है, ये एक के ऊपर एक समांतर संरचनाएं हैं। तो इन जो संरचनाएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको कुंडिका बोलते हैं। अब इन झिल्लियों का संपर्क किसके होता है, ईआर झिल्लियों से होता है, इसलिए जटिल कोशिकीय तंत्र का दूसरा भाग बनाती है। तो ये जटिल कोशिकीय तंत्र बनाती हैं। ईआर में जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है, उसमें जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं, वो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। तो ईआर में जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं, बने हुए पदार्थ होते हैं, वो गोल्जी उपकरण में क्या करती है, उनकी पैकिंग की जाती है। तो एक तरह से ये पैकिंग फैक्ट्री हो गई, जो गोल्जी ईआर में बने हुए पदार्थों का क्या कर रही है, पैकिंग कर रही है। और क्या काम करती है, पैक करने के बाद कोशिका के अंदर और बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो कोशिका के अंदर और बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेजने का काम भी गोल्जी उपकरण का के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से कार्य होते हैं जो गोल्जी उपकरण कहते हैं, जो पदार्थों का संचयन, मतलब स्टोर करती है पदार्थों को, रूपांतरण करती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल देती है। जैसे कि सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर में ये कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है, और बंद कर देती है, मतलब आवागमन को बंद कर देती है, मतलब बना कर देती है कि ये पदार्थ यहाँ नहीं आ सकता है। और गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, जिसको हम लवणकाय बोलते हैं, उसको बनाया जाता है इस गोल्जी उपकरण के द्वारा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम मेन कार्य क्या है, लाइसोसोम का मेन कार्य ये है कि कोशिका में जो भी अपशिष्ट बन गया है, उसको अपशिष्ट को निपटाने वाला तंत्र है लाइसोसोम। तो ये क्या करता है, कोशिका में जो भी अपशिष्ट होता है, उसको पाचन करने के कार्य करता है। जैसे कोई बैक्टीरिया भी आ गया, या कोई भोजन आ गया, पुराना अंगक हो गया, कोई सड़ा गला अंग है, उसको भी पचाने का कार्य करता है। अब ये कार्य कैसा करता है, इसके अंदर बहुत ही प्रभावी पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में समर्थ होते हैं। केवल ध्यान रखिए, कार्बनिक पदार्थ को ही तोड़ सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ को नहीं तोड़ सकते हैं। अब कोशिका में क्या होता है, उपापचय की क्रिया होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा निवृत्त होती है, ऊर्जा ली जाती है। इस क्रिया के दौरान कोशिका अगर खराब हो गई है, तो उस कोशिका को भी लाइसोसोम पूरी की पूरी पचा जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, फट जाता है, और फटने के बाद वो कोशिका को पाचन कर लेता है, खा जाता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की पाचन झिल्ली या आत्मघाती थैली बोलते हैं। अब संरचना की दृष्टि से लाइसोसोम क्या होता है, गोलाकार होते हैं, और उसके चारों तरफ झिल्ली युक्त संरचना होती है। और ये जो एंजाइम होते हैं, जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं, वो कहाँ बनते हैं, ये आरईआर में बनते हैं, मतलब
खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में बनते हैं। तो अपने पहले भी ध्यान रखा, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन का संश्लेषण करती है और एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं, तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। मतलब बिजली घर मतलब यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट के रूप में ऊर्जा ये प्रदान करते हैं। एटीपी की क्या है, एडिनोसिन फास्फेट ट्राईफास्फेट, ये कोशिका की ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है। ऊर्जा हम जानते हैं श्वसन के दौरान उत्सर्जित होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक श्वसन केंद्र होता है कोशिका का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली में से बाहरी झिल्ली जो होती है वो छिद्रित होती है, मतलब उसमें छेद होते हैं जो पदार्थों के आवागमन के लिए उपयोगी होते हैं, और आंतरिक झिल्ली वलित होती है। वलित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, एटीपी बनाने वाले क्षेत्र बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, और अपन जानते हैं कि राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अब हम प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट या तो श्वेत होंगे या रंगहीन होंगे। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और इसको ही हरित लवक बोला जाता है। तो हरित लवक क्या हो गया, जिस प्लास्टिड में वर्णक होता है, कौन सा, क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसको हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट का क्या उपयोग है, क्लोरोप्लास्ट वह प्लास्टिड है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करता है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले और नारंगी रंग के भी वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट प्रारंभिक रूप से वह कोशिका के अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल या प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लास्टिड की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। स्ट्रोमा मतलब हो गया कि कोशिका का एक भाग होता है जिसमें प्लास्टिड की संरचनाएं होती हैं। प्लास्टिड में बहुत सी झिल्ली वाली संरचनाएं होती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। रसदानियां जिसको वैक्यूल भी बोलते हैं, रसदानियां क्या होती है, ये संरचनाएं होती हैं जो पादप कोशिका में सबसे बड़ी होती हैं, जो 50-90% तक का आयतन घेरती हैं। इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये कोशिका द्रव्य भरने से क्या हो गया कि पादप कोशिका को कठोरता मिलती है, जो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पदार्थ होते हैं पादप कोशिका में, जैसे अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन इसमें भरे हुए होते हैं। अमीबा में भी ये जो खाद्य रसदानी पाई जाती है, जो खाने को क्या करती है, इकट्ठा करती है और बाहर निकालने का कार्य करती हैं, और इसमें उपयोगी तत्व पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने सारा कक्षा 9 का ये कोशिका वाला चैप्टर डिस्कस किया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।